वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि व कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप निदेशक कृषि संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाए, जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र में कोई दिक्कत न आने पाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान अब तक छूट गए हैं, उनका पंजीकरण कराकर उन्हें योजना का लाभ मुहैया कराया जाए। इसका भी ना अंदर होगा तो अब आप समझ लें कितने लाभार्थी बने। अगर जिस पुत्र के नाम दर्ज हुआ, अगर उसके पास पहले से वो PM किसान का लाभार्थी है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका लाइन बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ट्रांसफर होगा वाइफ के नाम, नया पंजीकरण होगा अगर वो पात्र है, अगर वो एक्सक्लूजन कैटेगरी में नहीं आती। तो इस तरह से आपको देख के ओपन सोर्स के नंबर बढ़ेंगे। आप ओपन सोर्स के नंबर जब बढ़ेंगे, क्योंकि उनका नाम जमीन पे आ गया है, तो उसको हमको समय से पूरा कराना है। अभी ये वो अपना पोर्टल ठीक कर रहा है, वो हफ्ते भर में ठीक कर देंगे, तो हम उस पे उसी पे रखेंगे, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट मुझे महत्वपूर्ण बताने थे। लास्ट पॉइंट ये बताना है कि एक जो हम लोगों ने समाधान दिवस चला था, देखिए उसका बड़ा पॉजिटिव आउटलुक हुआ। अब हम लोग दबंगई से विधानसभा में जवाब दे रहे हैं। सवाल आता था, हम डिफेंसिव पे रहते थे, आपने कहा साहब हमने तो समाधान दिवस कराया, इतने लोगों का जिलों में कर दिया, आप फिर हो रहा है 1-3 मार्च को हम फिर कर रहे हैं। तो कृपया करके इसको गंभीरता से लें। इन 1-3 मार्च को जो फिर से चलेगा, जिसका विज्ञापन कल आ जाएगा, एक तो ये कि पिछली बार जो हुआ था उसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रक्रियाधीन लिखे गए थे, उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बताइए कोई है जिसमें रिपोर्ट में कि जहां पर ये आया था कि इतने ठीक कर लिए, इतने प्रक्रिया में थे, उसमें बहुत नंबर्स थे। उसमें उसमें दिखाइए कौन से जिले हैं कि जिसमें प्रक्रिया में बहुत सारे। तो कृपया करके वो जो प्रक्रिया में थे उनको आप पूरा कर दीजिए, और जो नए आए उनको ठीक कर दीजिए। क्योंकि ये नहीं शिकायत आनी चाहिए कि वो आदमी पिछली बार भी आया, फिर आ गया, खड़ा हो गया कि साहब आपने तो हमारा ठीक नहीं किया। उनको ये समझा दीजिए कि आप लोग ठीक होगा, 1 अप्रैल के बाद मिलेगा, तो ध्यान रखें। हर हफ्ते भर में आने लगे, कई बार क्या होता है वो लोग बेताब होते हैं, वो फिर आने आते हैं। उनको कह दो कि भैया आज ठीक हो रहा है, लेकिन जब 1 अप्रैल के बाद जो अगली किस्त मिलेगी तभी आपको बाकी किस्तें मिलेंगी, अभी नहीं मिलेगी। तो 31 मार्च तक कम से कम ना आए, 15 अप्रैल तक वेट कर ले, उसके बाद अगर ना मिले तब बताए आगे। तो ये समाधान दिवस गंभीरता से चलाए, आगे जो चलेगा 1-3 मार्च को, और जो पुराने समाधान दिवस में जो एप्लीकेशन आए थे उसको 100% अपने पास से खत्म कर दें। ये नहीं होना चाहिए कि उसको आपने रख लिया, क्योंकि तभी ये शिकायतें आती हैं तरह तरह की कि पैसा मांगा जा रहा है, लेखपाल पैसा मांग रहा है, हमारे कर्मचारी पैसा मांग रहा है, जब देंगे तभी होगा ये। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कृपया करके ये 4-5 बिंदु मुझे आपको उठाने थे जो महत्वपूर्ण थे, इसको ध्यान रखें। और इसके अलावा अब आपके कोई प्रश्न हो, महत्वपूर्ण नीतिगत इश्यू हो, आप उठा दीजिए, तो हम उसको देखेंगे। फिर उसके आगे जो ये दोनों बैठेंगे वो उसको चलाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई बात हो हमारे सामने रखनी हो तो कृपया बता दें। सर हम प्रवास से ओबीसी बोल रहा हूँ, कृपया हम बता दें सर वो कैसे हो सकता है। उसको आप जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें आप भेजेंगे, वो यहाँ से लॉक हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल को ड्यू है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, आपको खुद मालूम है इस बात को। 1 अप्रैल को ड्यू है आपको, 5-6 मार्च के आसपास सारे लॉट खुल जाएंगे। आप लोग 20 मार्च तक सोते रहेंगे, फिर 28 मार्च को जब हल्ला शुरू होगा कि करो करो, तो रात रात बैठ के फिर जल्दीबाजी में आग बंद करके सब लॉक कर देंगे 3 दिन में, और सारा पेमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि ये 5-6 मार्च के आसपास, 10 मार्च के आसपास सारे लॉक खुल जाएंगे आपके पास। तो जब आपके पास खुल जाएंगे तो आपके पास पूरा 1 महीना है इसको लॉक करने का, आप उसको स्टॉप पेमेंट करिए उसी पर। तो नहीं है अदरवाइज आपको है तो जरूरत है, जैसे कि अनुरोध तो सुन रहे सर, हर ग्राम प्रधान के पास होता है फैमिली रजिस्टर की कॉपी, आपने ग्राम प्रधान को देने की जरूरत ही नहीं। फैमिली रजिस्टर की कॉपी लगाकर सत्यापित करके आप भेज दें। आप
फाइनेंशियल आप किसी ज्यादातर क्या होगा आप किसी को फाइनेंशियल पैसा दे नहीं रहे रोक रहे हैं रोकने में ये कल को अगर बात आती है शिकायत होती है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी आप इसको चेंज कर दिए आप किसी भाई आप बड़े बड़ी चीजों को प्रधान के सर्टिफिकेट को मान लिया जाता है मोहर पद सर्टिफिकेट प्रधान का हो परिवार रजिस्टर का लगा दी जिससे ये पद सिद्ध हो जाए कि आदमी उस परिवार का है और उसमें और उसके आपके कर्मचारी का साइन हो दो लोग का साइन तारीख को डेथ भाई हमारे बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन बहुत बुरी हालत है नहीं होता 3 महीने के बाद तो जिलाधिकारी के पास जाओ आप उसकी वजह से आप उसको पेमेंट थोड़ी जारी रखेंगे उसको मैं रोकना पड़ेगा ठीक है अगर आप चाहते मैं जीव कर अगर आपको डर लगता लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता अगर कोई चीज रोकनी है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की इनके कर्मचारी की और प्रधान की मैं रिस्क नहीं है ना कोई तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कोई विरासत लेखपाल ने दर्ज कर दी तो लेखपाल ने विरासत ही दर्ज कर दी तो हमको और क्या बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए इसमें एक इशू है जो सभी की जानकारी में आ जाना ये भारत भाई देखिए ऐसा है अगर किसी को अपात्र से पात्र करना है तो आपको जितना ठोक बजा के करना है क्योंकि हम किसी को रोकते हुए को दे रहे हैं किसी को देते हुए को रोक रहे हैं तो हमें जरूरी है कि अगर वो रोकना है तो तत्काल रोकना चाहिए उसके लिए जो जितना सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं ठीक है इट इज गुड इनफ अगर प्रधान के साइन है मोहर के साथ आपके कर्मचारी के साइन है और इनके डीपी का लिख के आया दैट इज गुड इनफ अगर उसने लगा दिया प्रमाण पत्र तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगाया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग ले हैं फिक्स करिए अगर कल को कोई शिकायत होती है